तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आगे भाई हो एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा कार्बन आंध्रा T20 लीग का चार्जर्स 11 वर्सेस किंग्स 11 के बीच 3 घंटे 42 मिनट बाद। बात करूँ भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप आ सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं भाइयों, काफ़ी ज़बरदस्त विनिंग कर सकते हो आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ के जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ऊपर भी आप देख ही पा रहे होंगे भाइयों, ये मेरे ग्रुप का नेम है कि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलता हूँ आगे। तो सबसे एक मेन बात बता दूँ, ये जो आप मैच देख रहे हैं 3 घंटे 42 मिनट बाद होने वाला है, तो इसमें सबसे आपको मेन बात क्या करनी है कि इसमें आपने बॉलिंग फेवर में जाना है, इसमें बॉलिंग चलने के ज़्यादा चांस है, पिच थोड़ी बॉलिंग साइड हो जाएगी इस मैच में। तो बात करूँ विकेट कीपर की, तो यहाँ से लूँगा केश शिकार भरत अपनी टीम से ओपनर आता है, तो इसको अगर आप ड्रॉप करते हो तो बहुत ही गलती करते हो काफ़ी बड़ी, क्योंकि केश शिकार भरत एक ऐसा प्लेयर है या तो ये बहुत जल्दी आउट हो जाएगा या ये मैक्सिमम रन मार जाएगा, मतलब जितने की आपको उम्मीद भी नहीं होगी। ये प्लेयर ऐसा नहीं है कि भाइयों बहुत कम खेलेगा बहुत अच्छा खेलेगा, ये नॉर्मली एवरेज प्लेइंग में भी कम से कम 40-50 रन मार सकता है आज के मैच में। बात करूँ मैं बैट्समैन की, तो एम धीरज कुमार जो कि भाइयों ये एक ऐसा प्लेयर है कई टीम्स के आगे तो इतना बढ़िया खेलता है, इतना ज़बरदस्त खेलता है, जैसे कि WAR 11 के बीच में इसने खिलाफ कितना बढ़िया खेला था, और बाकी देखा जाए तो ऑल ओवर ये बहुत बढ़िया प्लेयर और सेफ है। आगे से बात करूँ सी रजन गणेश्वर की, जो कि ये अपनी टीम से ओपनर आता है और ओपनर में लास्ट 4 मैचेस में ये थोड़ा फ्लॉप जा रहा है। जब से लोगों ने इसको कैप्टन चुनना शुरू किया है, लोगों ने अपना वाइस कैप्टन रखना शुरू किया, उस दिन से ये बंदा फ्लॉप होना शुरू हो चुका है। तो मैं अगर आप मेरी राय मानो तो मैं आपको यही राय दूंगा कि इसको आज आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में कोई मत नहीं बनता भाइयों। और आगे से बात करूँ बी सोमनाथ यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चॉइस मिलता है। इस प्लेयर के अंदर खासियत ये दो खासियत हैं कि भाइयों, एक तो आप इसका बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो है मिडल ऑर्डर से थोड़ा ऊपर, मतलब सेकंड डाउन थर्ड डाउन आ सकता है फॉर भाइयों, और बैटिंग इसकी आएगी, मतलब विकेट गिरती हैं और जब भी ये आता है ना ये विकेट बचा के खेलता है, ये इसकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब आप कभी भी इसको देखोगे कि थोड़े बहुत शॉट तो मारेगा ही, वो तो हर प्लेयर ही मारता है, लेकिन विकेट बचा के खेलता है, बहुत ही अच्छी प्लेइंग है इस हिसाब से देखा जाए तो। बात करूँ ऑलराउंडर की, तो एन रेडी तो देखो आपके सामने है कि प्रीवियस मैच में इसने रॉक किया था 26 रन + 3 विकेट्स, साथ ही साथ ऑल ओवर हर मैच में इसने रॉकिंग किया हुआ है, तो प्लेयर को तो छोड़ना नहीं बनता। लेकिन अब सबसे मेन बता दी एन कुमार रेड्डी की, तो ये CHA का जो प्लेयर है ना ये VC के लिए बहुत अच्छी चॉइस है, ये आज के मैच में 1 डाउन आएगा। और ये जो आप नीचे प्लेयर देख रहे हो ना KSI राहुल, ये कैप्टन इसलिए रहता है क्योंकि ये बॉलर अच्छा है, बैटिंग भी इसी मिडल ऑर्डर बैट्समैन है KSI राहुल, और आप पिछले मैच में देख सकते हैं ठीक ठाक पॉइंट दिए थे इसने 52 पॉइंट, लेकिन एन कुमार रेड्डी आजकल थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, मैंने देखा है अच्छा चल रहा है एन कुमार रेड्डी, शुरू में नहीं चल रहा था, आप चाहो तो आज इसको VC ट्राई कर सकते हो जी रेड्डी को छोड़ के, लेकिन रिस्क में ऑन रिस्क। बात करूँ यहाँ से आपको एक प्लेयर और मिलता होगा, इसका नाम है पिनिती अपस्वी, जो कि आपको बताना चाहूँगा ये प्लेयर के अंदर खासियत क्या है, इसके अंदर ये है कि ये बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग देखो इसकी आती है 2 डाउन भी आ जाती है कई बार, लेकिन इसकी बैटिंग उतनी खास नहीं है, मैंने देखा है मतलब कभी पूरी स्ट्राइक रेट गिर जाती है, एक रन भी नहीं पड़ता, बॉलें वेस्ट होती हैं इसके जब ये बैटिंग पे होता है, बहुत कम देखा जब इसने अच्छा मैच खेला हो, बाकी ऑल ओवर बॉलिंग अच्छी है प्लेयर की। बात करूँ मैं बॉलर्स की, तो के भीमा राव को आप चाहो तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, लगातार हर मैच में 2 से 3 विकेटें ले रहा है। और आगे से बात करूँ यहाँ पे 2 पिक है, एक है एस आशीष अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन नीचे है सिद्धार्थ रिस्की है, पिछला मैच नहीं खेला था, शायद आज इसको दें दोबारा ट्रायल। अगर आपको आशीष की जगह चुनना है के सुदर्शन को भी ट्राई कर सकते हो, सुदर्शन ने 1 मैच खेला है प्रीवियस और 2 विकेट लेके गया था, आशीष ले गया था 3 विकेट्स, उस कारण थोड़ा लॉस का चांस है, अगर आशीष के साथ जाना है तो आप सेफ हो, रिस्क लेना है तो आप सुदर्शन के साथ जा सकते हो, अच्छा बॉलर है। आगे से बात करूँ वाई प्रमोद के बारे में, तो आप जानते ही हो पिछला मैच 2 मैचेस नहीं खेल रहा, आई थिंक आज ये वापसी करे, अगर ये वापसी नहीं आता तो मैं आपको एक बहुत अच्छी राय देने वाला हूँ, तो आप इधर से कहूँ कौन सा प्लेयर चुनना, सिद्धार्थ अगर खेला तो, अगर नहीं खेला तो भाई देख लेंगे हम फिर बैटिंग सेक्शन से कोई ना कोई प्लेयर ट्राई करेंगे ऑलराउंडर को चेंज करके, लेकिन वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं डालूंगा मैं, ये अभी मेरी नॉर्मल टीम है। मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय।